आपको बता दूं कि जनपद कौशाम्बी के प्रमुख बाजार मनोरी में विजयदशमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। यहाँ के दो दिनी दशहरा मेला में दूर दराज के लोगों का भी आगमन होता है। मेले में पुलिस प्रशासन की भी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था रही। प्रयागराज और कौशाम्बी पुलिस दोनों का बेहतरीन योगदान रहा। साथ ही दशहरा मेला में चायल विधायक संजय कुमार गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में आगमन हुआ। विधायक ने सभी लोगों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई दी। साथ ही साथ मेला कमेटी व पुलिस प्रशासन के लोगों को भी बधाई दी। गौरतलब हो कि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी दशहरा धूमधाम से मनाया जाता है। सत्य के असत्य पर जीत के इस पर्व को विजयदशमी की भी कहते हैं। इतना ही नहीं, ये पर्व वर्षा ऋतु की समाप्ति व शरद के प्रारंभ होने की सूचना भी देता है। इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध कर लंका पर विजय प्राप्त की थी। मान्यता से ये भी है कि माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का इसी दिन वध किया था। दशहरा के दिन शस्त्र पूजन विजयदशमी है, इस पर लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं आज के दिन? आज तो बड़ा आज विजयदशमी का पर्व है, सभी को बहुत बहुत बधाई। आज का दिन असत्य पे सत्य का विजय का दिन है। आज के दिन अधर्मी और अहंकारी रावण का प्रभु श्री राम के हाथों से वध हुआ था। आज का दिन अधर्म पर धर्म के विजय का दिन है। मैं प्रभु श्री राम से कामना करता हूँ सभी की यश कीर्ति समृद्धि में वृद्धि हो, और प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर हमको मिल रहा है अयोध्या जी में। विजयादशमी तो इस बार बड़े जोर शोर से मनाई रहे लोग।